रामनवमी पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का बयान भी सामने आया है। रामनवमी की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, आगे भी जारी रहेगी, यही कहा उन्होंने। आज नवरात्र का नवा दिन है, आज रामनवमी भी है और हम सभी ने मुझे लगता है पूजा करी है, आराधना करी है, उनको कन्याएं खिलाई है। आज आप कैंपेनिंग भी कर रही हैं, कल नामांकन के बाद भी आपने कई एक जगह जो है नुक्कड़ सभाएं की, लोगों से संपर्क किया, इतना ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको, इस बार कैसा मार्जिन रहने वाला है? ये तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन पिछली बार से निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि बढ़ती होगी, क्योंकि लोगों का साथ समर्थन मिल रहा है और लोग समझ रहे हैं कि मौजूदा सरकार किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से वो लोगों को जो कहती है वो नहीं दे पा रही है, जो व्यवस्थाएं बनानी चाहिए वो नहीं कर पा रही है। युवा बेरोजगार है हमारे और बड़े ही निराश है और महिलाएं सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में यह कहा कि इंडिया गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है और उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में चुनाव के नतीजे अच्छे आएंगे। अब इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है, ये कांग्रेस की देन है टेलीकम्युनिकेशन। क्या बातें करते हैं, जब जुमलेबाजी करते हैं, ये राम की बात करते हैं, राम हमारे दिल में है, ये भी देखिए, ये मुसलमान है, ये भी राम है, मैं भी सिख हूँ, तो हम तो एक गुलदस्ते की तरह बढ़े हुए हैं, तो इस बार मोदी से ज़्यादा हम सीटें लेकर जाएंगे। नोट कर INDA गठबंधन को लेकर हनुमान बेनीवाल शिकायत कर चुके हैं, कांग्रेस के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कोई शिकायत नहीं की, जो भारी कांग्रेस उनके साथ पूरी की पूरी खड़ी है, जो एक आध था उसको हमने पार्टी से निकाल दिया। नतीजे बताएंगे किसके वहीं जयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप खाचरे अब्बास ने रोड शो किया और इस दौरान न्यूज 18 इंडिया से वो बोले कि जनता का आशीर्वाद मिला तो जरूर जीत मिलेगी। बीजेपी का झूठ फरेब और देखा राम जी निपटाएंगे, रिजल्ट आएगा ना तब पता चलेगा। भाई हम तो कमजोरी के बाद आगे निकले, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ दो सीट है, मैंने कह दिया था सिर्फ दो सीट अच्छा है, उनको तो मजबूत है बीजेपी वाले, लेकिन जनता का आशीर्वाद जो हमें 10 दिन में मिला उससे हमारी स्थिति बहुत मजबूत हुई है, तो मेरी आवाज़ कमजोर पड़ गई थी, आज मेरी आवाज़ फिर मजबूत हुई है लोगों के समर्थन। जनता का आशीर्वाद मुझे जिस ढंग से मिल रहा है, यदि ऐसे ही मिलता रहा तो हम जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे तभी जब लोग आशीर्वाद देंगे। उम्मीद है कि राम जी का आशीर्वाद उन्हें भी मिलेगा। तो जाहिर तौर पर की तस्वीरों में प्रताप सिंह खाचरे आवास का रोड शो, कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज 18 इंडिया। महाराष्ट्र में बीजेपी के चुनाव प्रभारी दिनेश शर्मा ने महा विकास अघाड़ी पर निशाना साधा है, ये कहा है कि राम अब इनके नहीं रहे, इनकी विचारधारा बदल चुकी है। हमारा सीट शेयरिंग भी है, हमारा दिल शेयरिंग भी है, हमारी नीति नियत और नेतृत्व तय है, उनका नीति नियत और नेतृत्व भी अलग अलग है, उनकी आइडियोलॉजी बदल चुकी है, ये रामद्रोही लोग हैं और इनके शब्दों का जो संयम है वो कभी भी टूट सकता है, और वो जो बोलते हैं वो अब शब्दों के अलावा उनको अच्छी भाषा का इस्तेमाल उनको आता भी नहीं है, क्योंकि उनके संस्कार ऐसे रहे हैं। और राम जो हैं अब शिवसेना के रहे नहीं, क्योंकि जो राम के अस्तित्व को चुनौती देने वाली कांग्रेस थी उनकी सहयोगी है, और जिसने राम का जन्म नहीं हुआ इसके प्रूफ नहीं है, ये कोर्ट में जो राम सेतु बंद रामेश्वरम है नहीं, जो प्रमाण प्रस्तुत करने का काम करते हैं राम मंदिर के खिलाफ कांग्रेस, जिसको बाला साहब जी कहते थे हमेशा कि ये कांग्रेस ने इस देश का बहुत नुकसान किया है, इससे मैं किसी भी कीमत पर संबंध करना तो छोड़ो, इसको देखना पसंद नहीं करता। जब चिराग बुझने लगता है तो एक बार लॉ तेजी से निकलती है। अब यहां पर 48 सीटों पर विपक्ष के लिए महाअघाड़ी के लिए नो वैकेंसी बोर्ड लगा हुआ है। 48 सीटों आपका दावा है? दावा नहीं है, जनता की मनसा है। शुक्रिया बात करने के लिए। उधर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दुष्यंत चौटाला पर जमकर निशाना साधा। सीएम सैनी ने कहा कि जननायक जनता पार्टी जमानत जब्त पार्टी है और इस चुनाव में भी इनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। दुष्यंत चौटाला की JJP पार्टी के उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। प्रदेश के लोगों का जो प्यार और जो जोश आज दिखाई दे रहा है,
मैं पीछे भी फरीदाबाद लोकसभा में कई बार आने का मौका मिला है, पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ, पूरे प्रदेश से एक ही आवाज हर व्यक्ति की आ रही है कि अब की बार 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। नमस्कार, सुबह के 8 बजे हैं, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव, स्वागत है आपका मॉर्निंग प्राइम। शुरू करते हैं खबरों का धुआंधार बुलेटिन की, जहां सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं, जिनका आपसे सीधे सीधे सरोकार है, जिन पर रहेगी आपकी नजर। तो आइए शुरू करते हैं मॉर्निंग प्राइम। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के कई वीडियो शेयर कर रामनवमी पर हिंसा होने का किया दावा। मुर्शिदाबाद में आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें की शेयर। बीजेपी ने रामनवमी पर हिंसा के लिए ममता बनर्जी को बताया जिम्मेदार। अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में रामनवमी शोभा यात्रा पर हुए हमले के लिए ममता बनर्जी के भड़काऊ भाषण जिम्मेदार। बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता सरकार पर हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस साल भी ममता पुलिस राम भक्तों की रक्षा करने में कामयाब नहीं रही। शांतिपूर्ण रामनवमी जुलूस जिसके लिए प्रशासन से अनुमति थी वो नहीं हो पाया। रामनवमी के दौरान 2 समुदायों में फिर से विवाद हुआ। झारखंड के बोकारो में तनाव, जलागांव में रामनवमी के जुलूस के दौरान 2 समुदाय के बीच हुआ बवाल, भारी फोर्स तैनात। गृह मंत्री अमित शाह का अहमदाबाद और गांधीनगर में आज रोड शो। अहमदाबाद में 7 विधानसभाओं से होकर गुजरेगा रोड शो। रामनवमी पर पीएम मोदी ने पहले चरण के एनडीए और बीजेपी के सभी उम्मीदवारों को चिट्ठी लिखी। पीएम ने लिखा, ये चुनाव साधारण नहीं। पहले चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं ने छेड़ा ईवीएम का मुद्दा। प्रियंका गांधी ने कहा, बिना ईवीएम के हो चुनाव तो बीजेपी 180 पर सिमट जाएगी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भी ईवीएम के मुद्दे को दिया तूल। बैलेट पेपर से चुनाव कराने से क्यों डर रहे हैं पीएम का। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का तंज, कहा पहली बार देखा चुनाव के वक्त कोई सीएम घर में कैद। अमेठी में स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर निशाना, कहा देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों से राहुल गांधी ले रहे हैं सपोर्ट। पुणे में चुनावी सभा के दौरान वित्त मंत्री अजित पवार का विवादास्पद बयान, कहा जितना चाहे हम फंड देंगे बस हमारे लिए मशीन में बटन दबाए। सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा, सिकंदराबाद बुलंदशहर किशोर और मेरठ में सीएम की जनसभाएं। 19 अप्रैल को बिहार के किशनगंज और कटिहार में जनसभा करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। इन दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन से कांग्रेस लड़ रही है चुनाव। राहुल गांधी की आज केरल में ताबड़तोड़ रैलियां, कन्नूर पलक्कड़ और कोट्टयम में रैली। तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र में एनआरसी और यूसीसी को लागू नहीं करने का किया वादा, साथ ही सीए को भी खत्म करने का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को चुनाव आयोग ने दिया झटका, 2 दिवसीय कूच बिहार दौरे पर लगाई रोक। चुनाव नहीं लड़ेंगे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद, अनंतनाग सीट से वापस लिया नाम। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी को लोकसभा टिकट देने पर कांग्रेस में बड़ी बगावत, 30 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं ने दिया इस्तीफा, पवन बंसल गुट में नाराज। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग सीट से पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का नामांकन आज, पहले भी अनंतनाग से सांसद रह चुकी हैं महबूबा मुफ्ती। असम के नलबाड़ी में बोले पीएम मोदी, कहा नतीजा क्या होने जा रहा है यह दिख रहा है, 4 जून को 400 पार, मोदी की गारंटी, गारंटी पूरा होने की गारंटी। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस से नहीं संभले अपने विधायक, बीजेपी की 400 सीट के लिए लड़ाई, कांग्रेस 40 सीट के लिए कर रही है संघर्ष। महाराष्ट्र के बारामती सीट के लिए एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले और एनसीपी अजीत पवार की सुनेत्रा पवार का नामांकन आज, एमडीए और महायुति के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रहेगी। जयंत चौधरी पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, हम किसी को दबाते नहीं आगे बढ़ाते। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने गैर कश्मीरी युवक को गोली मारी, गोली लगने से बिहार के रहने वाले युवक की मौत। बंगाल से